Hello friends, in the previous lecture we discussed trapezoidal rule and Simpson one third rule and its example. Now today we discuss Simpson 3/8 rule. First the formula. Formula is integration over x0 to x0 plus nh fx dx. It means x0 means starting value a and x0 plus nh it means b. Means starting value and ending value. Integration fx dx means y equal to f of x. Okay, and the formula is 3h by 8 y0 plus yn plus 2 times y3, y6, y9 multiple of 3 plus up to 2 so on yn minus 3 plus 3 times 1, 2, 4 और 5 जो बचे अब जो मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा जो भी पार्ट बचे वो हम यहाँ पे लिखेंगे. सो y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 y6 की जगह y7 अप टू 2 सो ऑन. सो ये फॉर्मूला फॉर द सिम्पसन 3/8 रूल. नाउ हियर डिस्कस द एग्जांपल. इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin square x upon 5 plus 4 cos x dx by using Simpson 3/8 rule. यहाँ पे जो integration है 0 to pi है और जो function है y equal to f of x वो sin square x upon 5 plus 4 cos x है. evaluate करना है using by Simpson 3/8 rule. सबसे पहले हम a की value ले लेते हैं, b की value लेंगे, फिर जो x का जो interval है sub interval वो हम find करेंगे. So first of all, a equal to 0, here lower limit is a, means a equal to 0 and upper limit is pi, so it means b equal to pi. So b equal to pi, a equal to 0, here h equal to b minus a upon n, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है n की value, तो हम approximate n equal to 6 लेते हम. सो n इक्वल टू 6 यहाँ पे हम ले रहे हैं. सो h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n. सो पाई माइनस 0 अपॉन 6 इक्वल टू पाई बाय 6. सो एंड y इक्वल टू f ऑफ x जो फॉर्मूला है वो साइन स्क्वायर x अपॉन 5 प्लस 4 cos x है. यहाँ पे हम x की वैल्यू डिनोट कर रहे हैं. x की वैल्यू स्टार्टिंग जो है वो 0 है. 0 में प्लस पाई बाय 6 ऐड करेंगे तो 0 प्लस पाई बाई 6 मीन्स पाई बाई 6. फिर आगे ऐड करेंगे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6. सो यहाँ पे हम कर रहे हैं पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6. तो आप लिख सकते हो 2 पाई बाई 6 लिख सकते हो. अदरवाइज 2 पाई बाई 6 की जगह आप पाई बाई 3 भी लिख सकते हो. यहाँ पे कट हो सकता है तो यहाँ पे पाई बाई 3 भी लिख सकते हो. अदरवाइज 2 पाई बाई 6. नेक्स्ट पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 करना है हमें. सो यहाँ पे हम पाई बाय 3 करेंगे और पाई बाय 6 ऐड करेंगे. सो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस 2 पाई डिवाइड बाय 6 कर लेंगे तो 3 पाई बाय 6 आएगा. नेक्स्ट पाई बाय 6 ऐड करेंगे तो 4 पाई बाय 6 होगा. नेक्स्ट 5 पाई बाय 6 और 6 पाई बाय 6. 6 पाई बाय 6 मीन 6 6 कट, मीन्स यहाँ पे पाई आ गया. तो यहाँ पे जो है 0 से लेके पाई जो इंटरवल है उसको हमने डिवाइड किया पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और पाई में. तो n की वैल्यू हमने 6 ली थी तो यहाँ पे सब इंटरवल जो है वो 6 हो गए. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है सभी पॉइंट पे. सो फर्स्ट यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे, 0 पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे x की जगह 0. सो आंसर हमें मिल रहा है 0. फिर कैल्सियम में जब भी आप काम करो साइन और कॉस की वैल्यू आई है तो यहाँ पे जो कैल्सियम है वो रेडियन मोड में रखेंगे. रेडियन मोड करने के बाद एक्स की रिप्लेस में आप रखोगे पाई बाय 6. पाई बाय 6 का आंसर आपको मिलेगा 0.02954 एक फंक्शन में रखोगे तब. फिर नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम पाई बाय 3, पाई बाय 2, 3
टू पाई बाई थ्री, फाइव बाई सिक्स और पाई, तो ये सभी वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे y0, y1, y2 वो डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। सो बाय सिम्पसन 3 बाई 8 रूल, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स, वो तो हम लिख देंगे इक्वल टू 3h बाई 8, वो पहले हो गई फिक्स। ब्रैकेट के इनसाइड स्टार्टिंग वैल्यू y की मींस y0, एंडिंग वैल्यू क्या है yn, वो y6 है, तो y0 प्लस y6 लिख देंगे, प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, y में जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो पार्ट लेंगे हम, तो मल्टीपल ऑफ 3 कौन से रहेंगे, एक y3 होगा और एक y6, लेकिन y6 आगे आ गया, सो सिंपल बचेगा आपके पास y3। सो यहाँ पर 2 इंटू y3 प्लस 3 टाइम्स जो बाकी टर्म बचे वो कौन से टर्म है, y1, y2, y4, y5, सो 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, सभी वैल्यू हमारे पास सही ऑलरेडी। सो ये सभी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैल्सियम में सिंप्लीफाई करेंगे, जो फाइनल हमें आंसर मिल रहा है पाई बाई 16 इंटू 2.04835। अब पाई की वैल्यू आप 3.18 लेके कर सकते हो या 22/7 भी लेके कर सकते हो, तो जो लास्ट आंसर मिल रहा है वो क्या है 0.40219। सो इंटीग्रेशन जो था उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है 0.40219। आई होप ये एग्जांपल आप सॉल्व कर पाओगे। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, यहाँ पे दिखा है एग्जाम्पल नंबर 10, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू 6 डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। यहाँ पे कुछ n की वैल्यू गिवन नहीं है, आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, n इक्वल टू 6 ले ली, स्टार्टिंग वैल्यू a की वैल्यू 0 है, एंडिंग वैल्यू b की 6 है, जो इंटरवल है उसको हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सभी में सेम प्रोसीजर है, टेबल पहले बना देंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे एच निकालेंगे हम, एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, तो यहाँ पे बी माइनस ए डिवाइड बाय एन फॉर्मूला लिखी, बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 0, तो 6 माइनस 0 अपॉन 6, सो आंसर इज 1। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, सो यहाँ पे x की वैल्यू जो स्टार्टिंग है वो 0 है, 0 में h ऐड करते रहेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में h की 1 वैल्यू ऐड करेंगे 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पे जो एंड वैल्यू जब भी नहीं आ रही तब तक हम प्रोसीजर कंटिन्यू रखेंगे, तो n की वैल्यू 6 सॉरी जो x की वैल्यू 6 आ गई तो हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे सभी पॉइंट पे, सो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है उसमें क्या करेंगे, अब x की जगह पहले 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर मिल रहा है 1, x की जगह 1 वैल्यू रख रहे हैं तो आंसर मिल रहा है 0.5, x की जगह 2 रखेंगे तो 0.2, x की जगह 3 रखेंगे तो 0.1, 4, 5, 6 जितनी भी वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिला 0.027। ये सभी वैल्यू हो गई एफ ऑफ एक्स की। अब हम y0 y1 से डिनोट करें कितने टर्म हो गए, सो यहाँ पे लिखेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। अब तीनों फॉर्मूला हमें पता है ट्रेपेजॉइडल रूल की, सिम्पसन 1/3 रूल की और सिम्पसन 3/8 रूल, तो हम 1/1 हम देख रहे हैं। सो पहले देख रहे हैं ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रेशन 0 टू 6 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू ट्रेपेजॉइडल रूल में h by 2 आएगा, ब्रैकेट के इनसाइड स्टार्टिंग वैल्यू y0, एंडिंग वैल्यू y6, तो ये दोनों वैल्यू लिख दी, प्लस 2 टाइम्स जो बीच में वैल्यू है सभी वो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिला है 1.4108। ये हुआ ट्रेपेजॉइडल रूल का आंसर। सिमिलर सेम एग्जांपल बाय सिम्पसन 1/3 रूल, तो सिम्पसन 1/3 रूल में थोड़ी फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, यहाँ पे h by 2 था उसकी जगह h by 3, स्टार्टिंग वैल्यू प्लस एंडिंग वैल्यू ये हो गई, प्लस 4 टाइम्स
ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या होगा वाई वन वाई थ्री वाई फाइव, तो यहाँ पे वाई वन प्लस वाई थ्री प्लस वाई फाइव प्लस टू टाइम्स इवन नंबर प्लस टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई फोर, सभी वैल्यू आ गई यहाँ पे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर मिला है 0.1.3662। सिम्पसन 3/8 रूल से हम सोल्व कर रहे हैं, सो इंटीग्रेशन सेम रहेगा 0 टू 6 dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे 3h/8 होगा, सभी में y0 प्लस y6 स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेम प्लस 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ओनली फॉर y3 ये y3 प्लस 3 टाइम्स बाकी के जो टर्म बचे वो y1 y2 y4 एंड y5, तो सभी का ऐड कर लेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे जो फाइनल आंसर मिला है 1.3571। ये जो आंसर है अप्रोक्सीमेट आंसर है, ठीक है सभी का एकदम नियरेस्ट आंसर मिलेगा सबके, तो 1.35 1.36 या 1.4 वो सभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 6 1 अपॉन 1 प्लस एक्स वन डी एक्स के। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा और इस एग्जाम्पल में सिम्पसन वन थर्ड रूल, ट्रेपेजोइडल रूल और सिम्पसन 3/8 रूल सभी फॉर्मूलाएँ यूज कर लिए हमने। ये लास्ट मेथड है चैप्टर की गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अगर इंटीग्रेशन आपके पास माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स करके है तो उसका सॉल्यूशन यूजिंग बाय गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो उसमें तीन मेथड है, एक वन पॉइंट के लिए, टू पॉइंट के लिए और थ्री पॉइंट के लिए। इंटीग्रेशन सेम रहेगा माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स, जो गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो समेसन आई इक्वल टू वन टू एन डब्ल्यू आई एफ ऑफ एक्स आई है, लेकिन वन पॉइंट के लिए हमें चाहिए तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स एफ ऑफ जीरो, यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसमें एक्स की जगह जीरो रखो और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वन पॉइंट के लिए फॉर्मूला हो गई, इट मीन्स एन इक्वल टू वन के लिए। मान लो एन इक्वल टू टू है इट मीन्स टू पॉइंट कोसाइन क्वाड्रेचर फॉर्मूला, सो माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस एफ ऑफ वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है एक्स की, दोनों की सेम है लेकिन पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों में फंक्शन में रखो फिर बाद में जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर लो, ये हो गई टू पॉइंट के लिए। अब थ्री पॉइंट के लिए अदरवाइज आप एन इक्वल टू थ्री बोल सकते हो, माइनस वन टू वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू फाइव बाई नाइन एफ ऑफ माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बाई फाइव प्लस एट बाई नाइन इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस फाइव बाई नाइन, ये जो आगे नेगेटिव साइन है उसकी जगह यहाँ पे पॉजिटिव साइन करनी है, फाइव बाई नाइन इंटू एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ थ्री अपॉन फाइव, ये हो गए वन पॉइंट के लिए, टू पॉइंट के लिए और थ्री पॉइंट के लिए। हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर वन, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय वन पॉइंट टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मूला। यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्ट गिवन है माइनस वन टू वन, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कन्वर्ट करने के लिए, सीधा डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स लेंगे, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं द सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय द वन पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मूला। सो हमने जो फॉर्मूला आगे देखी थी उसकी मेथड यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस वन टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स इंटू एफ ऑफ जीरो, सो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा उसमें x की जगह जीरो रखेंगे, सो हमें आंसर मिला है टू टाइम्स वन अपॉन वन प्लस जीरो, सो वन अपॉन वन आंसर इज टू। टू पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर माइनस वन टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला होगी एफ ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस एफ ऑफ वन अपॉन रूट थ्री, जहाँ पे x लिख रहा है वहाँ पे माइनस वन अपॉन रूट थ्री लिखेंगे और एक जगह एफ x की जगह वन अपॉन रूट थ्री, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो ये मिल रहा है और जो आंसर है फाइनली वो क्या है 1.5। थ्री पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मूला, थ्री पॉइंट क्वेश्चन फॉर्मूला के लिए माइनस वन टू वन वन अपॉन वन प्लस एक्स वी डी एक्स, ये जो मेन फॉर्मूला थी वो लिख दी यहाँ पे, देखो फाइव अपॉन नाइन इंटू एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट थ्री बाई फाइव प्लस एट अपॉन नाइन एफ ऑफ जीरो प्लस फाइव अपॉन नाइन एफ ऑफ थ्री अपॉन फाइव,
एक जगह x की जगह माइनस थ्री अपॉन स्क्वायर रूट के इनसाइड थ्री अपॉन फाइव रखेंगे, जीरो रखेंगे और स्क्वायर रूट थ्री अपॉन फाइव रखेंगे जो मेन फंक्शन है उसमें, और फाइनली जो सिंप्लीफाई करेंगे जो आंसर मिल रहा है वो क्या है 1.5833। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, यहाँ पे गिवन इवेल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 + t बाय 1.2 and 3 गॉसियन फॉर्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पे चेकआउट करना है आपकी जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो क्या है, 0 to 1 है, तो 0 to 1 को हमें कन्वर्ट करना है -1 to 1 में। -1 to 1 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे जो टी वेरिएबल है तो टी इक्वल टू हम लिखेंगे बी माइनस ए अपॉन 2 × x प्लस बी प्लस ए अपॉन 2। सो ये जो टी वेरिएबल है वो हम एज्यूम करेंगे बी माइनस ए अपॉन 2 × x प्लस बी प्लस ए अपॉन 2। ए की वैल्यू मीन्स लोअर लिमिट 0 है, बी की वैल्यू अपर लिमिट क्या है 1, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1। इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो हमें टी इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे टी इक्वल टू बी माइनस ए, बी क्या है 1 माइनस 0 मीन्स 1/2 × x प्लस बी प्लस ए 1 + 0 वो नो चेंज मीन्स 1/2। तो t इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2, अदरवाइज आप 2 को कॉमन ले सकते हो और लिख सकते हो x प्लस 1, t की वैल्यू मिली। सो यहाँ पे t की वैल्यू 1/2, x प्लस 1/2, 1/2 कॉमन ले लिया x प्लस 1। अब हमें dt की वैल्यू चाहिए, जो इंटीग्रेशन में dt था उसकी रिप्लेस में हमें लिखना है वैल्यू। सो dt इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे डी टी इक्वल टू 1/2 एज इट इज, एक्स का डी एक्स हो जाएगा 1 का 0, तो डी टी की रिप्लेस में हम लिखेंगे 1/2 dx। अब हम टी इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे, टी इक्वल टू 0 तो एक्स की वैल्यू -1 मिलेगी, चेक करना तो कर लेंगे टी इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 1/2 x प्लस 1, ठीक है 1 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, सो x इक्वल टू -1। अगर t की वैल्यू 0 लिख रहे हो तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी x की वो क्या होगी -1। सिमिलरली t इक्वल टू अपर लिमिट, ये पहले लोअर लिमिट हमने लिखी t इक्वल टू 0 की, अपर वैल्यू जो t इक्वल टू क्या है 1 है, तो 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 1 मिलेगी। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो था वो कन्वर्ट हो गया -1 to 1 में। अब सभी वैल्यू हम रिप्लेस कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 + t था, उसमें जो लोअर लिमिट है वो कहाँ पे हो गई -1, अपर लिमिट 1 हो गई, -1 to 1 में कन्वर्ट हो गई। dt की जगह लिखेंगे 1/2 dx, सो 1/2 को बाहर लिखा और यहाँ पे dx अपॉन 1 + t, तो 1 + t की रिप्लेस में 1/2 ब्रैकेट x प्लस 1। LCM लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कट हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x प्लस 3 फाइनल आंसर मिलेगा। यहाँ से हम फंक्शन जो है इंटीग्रेशन हटाएंगे, जो बाकी पोर्शन बच रहा है वो क्या होगा हमारा फंक्शन, तो हमारा फंक्शन होगा मेन f(x) इक्वल टू 1/x + 3। सो बाय 1 गॉसियन फॉर्मूला, सो यूजिंग बाय द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 dt अपॉन 1 + t की जगह आप क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x प्लस 3 जो हमें मिला वो, तो -1 to 1 में इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। हम डायरेक्ट लिख सके 2 × f(0, सो 2 × x की जगह 0 रखेंगे तो 1/0 + 3, तो फाइनल आंसर है 0.6667। सिमिलरली बाय 2 कोसाइन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगी, बाकी सब सेम है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dt अपॉन 1 + t की इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन x प्लस 3 जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखिए हमने फॉर्मूला 2 के लिए f(-1/√3 + f(1/√3
वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे आंसर हमें मिलेगा 0.6923। सिमिलर यहाँ पे थ्री पॉइंट के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। थ्री पॉइंट के लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला, लेकिन जो फॉर्मूला है वो 5/9 एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 प्लस 8/9 एफ ऑफ जीरो प्लस 5/9 इंटू एफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/5। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो आपको यह आंसर मिल जाएगा। सो थ्री पॉइंट, जो थ्री पॉइंट है उसके लिए आंसर आपको क्या मिल रहा है, 0.693। एग्जाम्पल नंबर थ्री, इंटीग्रेशन -2 to 6 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू 3/2 डी एक्स बाई गॉसियन फॉर्मूला फॉर एन इक्वल टू थ्री। सिर्फ एन इक्वल टू थ्री के लिए करना है, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है वो -2 to 6 से कन्वर्ट करना है -1 to 1 में। तो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे जो आगे हमने फॉर्मूला बताया उसी टाइप से, एक्स इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, फिर b माइनस ए अपॉन टू आगे एक्स करते हैं, एक्स की जगह हमने टी लिख दिया यहाँ पे, प्लस b प्लस ए अपॉन टू। ए की वैल्यू लोअर लिमिट -2 है, b की वैल्यू अपर वैल्यू जो है वो 6 है। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में तो x इक्वल टू 4t प्लस 2 मिलेगा। dx की वैल्यू अब चाहिए, dx की जगह डेरिवेटिव करेंगे, dx इक्वल टू 4dt। x इक्वल टू -2 हम यहाँ पे रखेंगे, जो हमारे जो हमने विला एक्स प्लस 40/+2 में, तो आपको t इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू 6 रखेंगे हम, तो t इक्वल टू 1 ही मिलेगा। चेक करना तो आप कर सकते हो। फिर अब मैं जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला है उसमें सब वैल्यू चेंज करेंगे, लोअर लिमिट -1 टू अपर लिमिट 1 हो गई, 1 प्लस x की लिमिट में 40/+2 होल स्क्वायर रेस टू 3/2 और dx की जगह लिखेंगे 4dt। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें आंसर फाइनल ए मिल रहा है। और जो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो टी है, तो यहाँ एफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी लिखेंगे। सो आई होप आगे की जो फॉर्मूला है आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो थ्री पॉइंट की फॉर्मूला जो थी वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।